12 जुलाई 2024 को मंगल अपनी त्रिकोण राशि मेष से निकलेंगे और वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है मंगल का 12 जुलाई को शाम को 7:12 पर ये वृषभ में आ जाएंगे और यहाँ पर ये 26 अगस्त 2024 तक रहेंगे। मंगल का जो ये 40-45 दिन का गोचर है वृषभ में कैसे आप लोगों को प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी। देखिए मंगल भी बड़े ग्रह हैं और एक राशि में 45-46 दिन के करीब ये रहते हैं। तब जब इनका परिवर्तन होता है तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और अभी ये अपने त्रिकोण राशि में थे, इसके पहले काफी लंबे समय से शनि और राहु के प्रभाव में थे। अब ये जब गोचर करके आ भी रहे हैं तो शुक्र के घर में, जो कि इनके शत्रु की राशि होती है वृषभ। दूसरी चीज क्या रहेगी कि यहाँ पर पहले से गुरु बैठे हुए हैं और वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है, उसके ट्राइन पर छठवीं राशि कन्या में केतु गोचर कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर मंगल आएंगे वृषभ में, ये सुख का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है। यहाँ से व्यक्ति का खान पान, बोली भाषा, वाणी, उसका जो सुख है, उसकी जो संपत्ति है, धन है, जो उसका संचित धन होता है, ये सारा कुछ यहाँ से देखा जाता है। अब मंगल जो ग्रह है ये अग्नि कारक ग्रह है, इसके अंदर बड़ी ऊर्जा है, आक्रामक ग्रह है। ये कार्य को करता है, इसको घर के अंदर बैठना, सुख, संवेदनशीलता, इन सब चीजों में ज्यादा रुचि मंगल की नहीं होती है। और शुक्र का घर हो जाता है, पृथ्वी तत्व राशि है, अग्नि तत्व ये ग्रह है। तो जब यहाँ पर मंगल आएंगे तो चूंकि मंगल कारक होते हैं तीसरे भाव के, छठे के, 10वें के और 11वें के, मंगल उपजे भाव में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। और ये जो दूसरा भाव है यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु तो फिर भी कारक होते हैं, तो चलो कारक होकर के वृषभ में है तो अच्छी स्थिति है। जब मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे तो आप इसको काल पुरुष के हिसाब से पहले देखिए कि भाग्य का मालिक और लग्न का मालिक धन भाव में चल रहा है। तो मंगल का जो ये गोचर है वृषभ में, धन की दृष्टि से तो फिर भी ठीक रहेगा, उसमें उतनी परेशानी नहीं आएगी। मंगल यहाँ बैठ करके जिनके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण करेंगे उनको कुछ ना कुछ ये धन अवश्य दिलवा देंगे, क्योंकि लग्नेश हो करके ये धन भाव में जा रहे हैं। तो लग्नेश जहाँ जाता है अपने उस भाव के काम को करना वो शुरू करता है, तो जब ये ऋषभ में जाएंगे तो इनको धन से संबंधित काम ही करना पड़ेगा। और अपनी पहली राशि मेष से ये सेकेंड होकर के जा रहे हैं और वृश्चिक जो इनकी दूसरी राशि है उससे ये 7th पोजिशन पर जा रहे हैं। तो अपनी दोनों ही राशियों से जो इनकी प्लेसमेंट है वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो राशि लॉर्ड शुक्र के साथ में जो इनका तालमेल है वो थोड़ा सा विरोधाभासी है। ना तो बहुत अच्छा कह सकते हैं उसको, ना ही बहुत खराब कह सकते हैं। कुछ चीजों के लिए तो अच्छा हो जाता है शुक्र मंगल युति, लेकिन कुछ चीजों के लिए दिक्कत देती है। मंगल को यहाँ पर जो नक्षत्र मिलेंगे वो इनके सारे के सारे ही नक्षत्र इनके मित्र के रहेंगे। कृतिका रहेगा रोहिणी और मृश्चिक, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है, फिर ये चंद्रमा के नक्षत्र से जाएंगे, फिर ये मंगल के खुद के नक्षत्र से जाएंगे। तो नक्षत्रों के दृष्टि से जो मंगल का गोचर है वृषभ में वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि ग्रह हमेशा अपने रिजल्ट का, जो अपने नक्षत्र है उसका वो रिजल्ट करता है, राशि से वो एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट सिस्टम राशि से लेता है और काम करता है नक्षत्रों के अनुसार। मतलब कि ग्रह के ऊपर नक्षत्र की सबसे जो फाइनल, जो एकदम लास्ट पकड़ होती है ग्रह के ऊपर, वो नक्षत्रों की ही होती है। तो पैसों की दृष्टि से फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना रहेगा। ध्यान क्या रखना रहेगा कि चूंकि अग्नि कारक ग्रह है, ये सुख के भाव में, वाणी के भाव में, फैमिली के भाव में जा रहा है, तो सभी लोगों को, आपकी कोई भी लग्न राशि हो, आपकी कोई भी महादशांतर प्रत्यंतर चल रही हो, वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन ट्रांजिट में मंगल जब वृषभ में जाएंगे तो आपको एक तो अपनी कम्युनिकेशन, भाषा को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, बहुत गुस्से में नहीं बोलना है, बहुत आवेग में नहीं बोलना, अहंकार में नहीं बोलना, क्योंकि वहां पर मंगल के साथ साथ गुरु भी बैठे हुए हैं, तो गुरु ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं और मंगल जब उनका साथ पा जाएंगे तो दोनों ही प्लैनेट बड़े तेज ग्रह हैं। तेज मतलब कि भाई एक में बल है, ताकत है, एक में ज्ञान है, तो जहां ज्ञान होगा, बल होगा, तो वो कहीं ना कहीं वाणी में भी निकल करके आएगा।
तो आप अपनी वाणी का ध्यान रख लीजिएगा, इससे दिक्कत नहीं हो। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा, गर्म चीजें, मिर्च मसाला, तली भुनी चीजें और जो भी तामसिक चीजें होती हैं उनका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो भी उल्टा सीधा खाएंगे तो उसका सीधा प्रभाव आपके अष्टम भाव पे जाएगा, जो कि आपके लोअर बॉडी पार्ट का होता है, तो वहां से क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो बोली भाषा खान पान का ध्यान रख लीजिएगा, और चूंकि गुरु का थोड़ा इनको सपोर्ट मिल जाएगा तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन ये जो मंगल वृषभ में बैठेंगे तो ये दृष्टि डालेंगे सिंह राशि के ऊपर, चौथी दृष्टि सिंह पर डालेंगे और सातवीं डालेंगे वृश्चिक पर, अपने खुद के घर पर, और नौवीं आठवीं दृष्टि डाल देंगे धनु राशि पर। तो देखिए, जो मंगल का दूसरा घर है वृश्चिक, जिसका रिजल्ट करना है मंगल को, उस वृश्चिक राशि पर वक्री शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि आ जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी लोगों के लिए जो वृश्चिक राशि है वो आप देखेंगे कि 45-47 दिन के अंदर में वृश्चिक राशि बड़े बहुत ढेर सारे रिजल्ट आपको दे सकती है। तो थोड़ा, चूंकि बदलाव की राशि होती है, अचानक वाली चीजों को दिखाती है, रहस्य है, अकल्ट है, रिसर्च है, गुप्त स्थान है, तो थोड़ा तो सावधानी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि मंगल अपने घर को देख करके ना वृश्चिक को भी बहुत स्ट्रांग कर देंगे। तो एक उसका आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी आपसे गलत नहीं होने पाए, गलत बोलचाल, गलत क्रियाकलाप, गलत तरीके का लेन देन, मतलब जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं उससे आप बचाव कर लीजिएगा। और दूसरा, मंगल और गुरु के ट्राइन पर कन्या राशि में केतु भी हैं, तो ये जो ग्रह होते हैं ना, जब ये ट्रांजिट में आते हैं तो केवल एक तरह से प्रभाव नहीं करते हैं कि जहां बैठ गए हैं बस डायरेक्ट उसका रिजल्ट देना शुरू कर दे रहे हैं, कि जिन ग्रहों के त्रिकोण में बैठते हैं वो सारे प्लैनेट्स एक दूसरे को प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका वहां पर नक्षत्र होता है ना, तो नक्षत्रों से एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो ये जो स्थिति है मंगल के वृषभ में, पैसों की दृष्टि से ठीक है, उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन शनि भी वक्री होकर के कुंभ में चल रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा जो इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो मकर राशि से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं शनि, क्योंकि जब प्लेनेट रेट्रो होता है तो वो पीछे के हाउस के ऊपर भी प्रभाव दे सकता है, दे देता है ये कह सकते हैं आप। तो मंगल एक तरह से देखा जाए तो गुरु है, केतु है और मंगल है, शनि है, ये सब आपस में कहीं ना कहीं दूसरे से मिल रहे हैं, चाहे वो भाव के आधार पर या नक्षत्रों के आधार पर। तो जो रिजल्ट आएगा मंगल का यहाँ पर ओवरऑल, वो मिला जुला रहेगा, मिश्रित रहेगा, और आपको इसका रिजल्ट तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में कहीं पर भी मंगल ग्रह आ रहे होंगे, तब आप देखेंगे कि इस मंगल के ट्रांजिट का आपको कुछ विशेष रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जिनके लिए मंगल उपचय भाव से जाएंगे, तीसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से, 11वें भाव से, जहां पर मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जहां पर मंगल कारक माने जाते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी मंगल अच्छे रिजल्ट कर देंगे। बाकी जिनके लिए मंगल चौथे भाव से, 8वें भाव से, 12वें भाव से जाएंगे, वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वहां ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी जो सेंसिटिव हाउसेस होते हैं, जैसे लग्न है, पंचम है, नवम है, वहां पर इनके मिले जुले प्रभाव रहेंगे, और सप्तम भाव है, चतुर्थ भाव है, चूंकि ये सारे बहुत संवेदनशील भाव होते हैं, तो ये सारे चीज भी आपको समझनी पड़ेगी, उसका आपको रिजल्ट कैसे मंगल करेंगे, तो इन सब चीजों को भी आप अपने दिमाग में बिठाइएगा। मतलब डायरेक्ट ग्रह को राशि में बिठा करके ही मत रिजल्ट लीजिएगा, ग्रह काम कैसे करता है ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। और मैं इसके प्रभाव को आप लोगों को विस्तार से बताऊं उसके पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल जाया करे। देखिए, कोई भी ट्रांजिट होता है उसको डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, बहुत शॉर्ट में भी बताया जा सकता है, लेकिन मेरा पर्पज है कि जो लोग ट्रांजिट के वीडियो देखते हैं और जिनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो शुरू वाला जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इसको जरूर जरूर से सुना करिए, समझा करिए, उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा और आपके अंदर से डर खत्म होगा, भय खत्म होगा, प्लेनेट के रिजल्ट को आप अच्छे से समझना सीख पाएंगे। तो अलग अलग राशियों के लिए तो मैं आपको आगे बताती हूँ, थोड़ा और चीजें समझ लीजिए। मंगल अग्नि वाला ग्रह है,
ये नेतृत्व करता है, सेनापति है, इसके अंदर बड़ा बहुत एनर्जी है, एग्रेशन है, हमेशा ही काम करने के लिए, इसको रात को भी उठा देंगे ना तो ये उठ के काम करना शुरू कर देगा। मंगल प्रधान लोग ऐसे ही होते हैं। और वृषभ राशि जो होती है कुटुंब की है, वहां से खाना खाते हैं, फूड है, फाइनेंस है, फैमिली है, सारी जो सॉफ्ट चीजें होती हैं, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत जो डेलिकेट चीजें हैं वो सब कुछ अपना वृषभ है और तुला है। तो इसमें जब अग्नि वाला ग्रह जाएगा तो क्या करेगा, खलबली मचाएगा, हलचल पैदा करेगा। तो आप समझ सकते हैं ना कि घर में तो बड़े शांति से रहना चाहिए, हल्ला गुल्ला नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, जोर जोर चीखना चिल्लाना नहीं है। मंगल के अंदर यही सारी क्वालिटीज हैं, यही सारे गुण हैं, और उसको लेकर के वार है पृथ्वी तत्व राशि में। तो चलो ठीक है, फिर भी अग्नि का ग्रह पृथ्वी में जाएगा तो थोड़ा सा वहां पर पृथ्वी हर एक चीज को अपने अंदर ना समा लेती है, सोख लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। तो जैसे नहीं, पृथ्वी में आप कुछ भी डाल दो, पानी डाल दो, आग डाल दो, कचरा डाल दो, कुछ भी डाल दो, मतलब वो बड़ी सहन, बड़ी वो संवेदनशील होती है, बड़ी सहनशील होती है पृथ्वी, चीजों को सह जाती है। तो मंगल को भी वो सहेगी, ऐसा आप समझ लीजिए। तो चलिए बताते हैं आप लोगों के लिए क्या हो सकता है। और सभी लोगों को जिनके लिए मंगल योग कारक रहे हैं, आप लोग अपने मंगल को स्ट्रेंथ दे दीजिएगा, जिनके लिए मंगल कारक हैं तो बहुत ज्यादा ताकत मत दीजिएगा, लेकिन मंत्र जाप आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, जितने भी मेष राशि लगन वाले लोग हैं, मंगल आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट में आ रहे हैं और फर्स्ट के इर्द के लॉर्ड होते हैं। देखिए, दूसरे भाव में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप अपनी बोली भाषा, खान पान, वाणी, सब चीजों का ध्यान रखिएगा। परिवार में थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है, मतलब कि एक तरह से जो वातावरण में तनाव हो जाता है, कलह हो जाता है, ऐसी स्थितियों का भी मंगल यहाँ पर निर्माण करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये आपको फाइनेंशियली मदद कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आपके बच्चे हैं या आपका जो रिलेशनशिप होता है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अपने रिश्ते का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें कोई गलत क्रियाकलाप नहीं होना चाहिए। संबंधों में एक सामंजस्य बना करके अगर आप चलते हैं तो मंगल आपके पांचवें भाव को बल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं देंगे। अदरवाइज यही मंगल आपको रिलेशनशिप में अलगाव, बिखराव, या जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है वहां पर एबॉर्शन जैसी चीजें, या एक जो दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, ऐसी चीजें भी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से देखेंगे सिंह राशि को, अष्टम पिंड की दृष्टि जाएगी जो कि आपके ससुराल का भी होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी थोड़ा तालमेल बना लीजिएगा, और जो आपके इन-लॉज हैं, विशेष रूप से जो आपके सास ससुर होते हैं, उन लोगों के साथ में भी बहुत सामंजस्य बना करके चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो आपके पिता हैं या जो भी आपके गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, उन लोगों के साथ का जो संबंध होता है उसका थोड़ा बैलेंस बना करके चलिएगा। थोड़ा बहुत उनकी हेल्थ में फ्लक्चुएशन आ सकती है, मतलब कि हेल्थ में कुछ छिटपुट दिक्कत आ जाए, क्योंकि मंगल अष्टम दृष्टि से देखेंगे आपके नवम भाव को, तो आठवीं दृष्टि कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रॉय करती है, या एक तरीके की सडननेस, अचानक वाली जो चीजें होती हैं उसको देने का काम करती है, या चीजों को नष्ट भी करती है। तो संबंधों का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन मेष वालों को पैसे यहाँ पर मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोली भाषा और खान पान का ध्यान रख लीजिएगा। कुछ आप लोग यहाँ पर जर्नीज भी कर सकते हैं, स्पेशली अपने पढ़ाई से जुड़ करके, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो स्टडीज वगैरह होती हैं उस चीजों को जरिया बना करके मंगल आपको यात्राएं भी करवा दें। और जब ये नक्षत्रों को एक्टिवेट करेंगे तो आप देखिए कि जैसे आपकी ट्रेडिंग है, शेयर है, क्योंकि ये फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। फिर ये कृतिका, रोहिणी के नक्षत्र से जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी के जरिए को माध्यम बनाकर कुछ आपको फाइनेंशियल गेन्स भी करा सकते हैं। फिर ये अपने खुद के नक्षत्र से जाएंगे जब आखिरी आखिरी में, तब ये आपको रिसर्च है, रहस्य है, इंश्योरेंस के पैसे हैं, वो सब चीजें देंगे। मेष वालों के लिए फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं जा रही है, पारिवारिक पक्ष का ध्यान रखिएगा, मतलब तनाव नहीं होने पाएगा। देखिए, वृषभ राशि लग्न वालों के लिए जो मंगल है आपके लग्न स्थान में ही आ रहा है, 12वें भाव का मालिक है और आपके सप्तम भाव का मालिक है। लग्न में मंगल का आना, वहां पर ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं, जो कि गुरु आपके 8वें के और 11वें के लॉर्ड होते हैं, वहां पर लग्न में ही 12वें भाव का भी मालिक आ जा रहा है, सप्तम का भी,
सप्तम और बारहवां भाव दोनों ही जो होता है दिक्कतों को दिखाता है। लग्नेश से जो उनका संबंध है एक तरीके से न्यूट्रल या बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, शुक्र मंगल युति एक तरीके से जल और अग्नि का मिलन कैसा होता है आप इसी तरह समझ लीजिए। लग्न में जब मंगल आएगा थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, सेहत आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कुछ पैसे यहाँ पर खर्चे होंगे आपके ऊपर हो सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के ऊपर पैसे खर्चे हो सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है या आपकी मैरिड लाइफ है उससे जुड़े हुए यहाँ इवेंट देंगे मंगल। लेकिन यहाँ पर जो भी आपका पार्टनर है या आपका बिजनेस है इन दोनों चीजों पे मंगल थोड़ा सा ग्रोथ दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ आपका बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस के ऊपर आपके कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं और यहाँ पर जर्नीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो जो यात्राएं होंगी वो आपके बिजनेस को लेकर के हो सकती हैं, या आप ऐसे ही कहीं घूमने चले जाएं, या रिसर्च को जरिया बना करके, मतलब कि रिसर्च है, रहस्य है, पढ़ाई लिखाई है, इन सब चीजों को जरिया बना करके मंगल आपको यात्राएं भी दे सकते हैं। ओवरऑल मंगल आपके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ काम करवा सकते हैं, लेकिन लग्न पर मंगल का ना आपके अंदर जबरदस्त एग्रेशन रहेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब कि गुस्सा नहीं आने पाए आपको, चिड़चिड़ाहट नहीं आने पाए, सर में दर्द है, एक तरीके का इरिटेशन है, बहुत आप एंगर हो रहे हैं, मतलब कि एक तरह से जो एंजाइटी होती है, एग्रेशन होता है, ये सारा कुछ आपके अंदर बढ़ेगा 45 से 47 दिन। तो इसका उपयोग जो है ना आप अपने काम को करने में लगाइएगा, जो भी आपका प्रोफेशन है वहां आप अपनी एनर्जीज को डाल दीजिएगा। नहीं तो आप अपने पार्टनर के साथ में, जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उससे भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर कोई बिगाड़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगल का घर है सप्तम भाव, फिर भी रोड ग्रह है, मैल्फिक प्लेनेट है, ऊर्जा वाला ग्रह है, तो कई बार ये संबंधों में थोड़ा बहुत दूरियां पैदा करता है। मतलब कि बेवजह क्या आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि लग्न वालों के जो मंगल ग्रह है ये आपके 12वें भाव में जा रहे हैं और मालिक बनते हैं आपके 6ठे भाव के और 11वें भाव के मालिक हो करके ये 12वें में जा रहे हैं। 12वें भाव से मंगल का गोचर बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है और आपके लग्नेश के मित्र भी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा आपके लिए, कुछ पैसे आपके यहाँ पर खर्च हो सकते हैं। वो जो पैसे आपके खर्च होंगे लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, वाद विवाद, हॉस्पिटल, या इन्वेस्टमेंट है, या जर्नीज है, ऐसी चीजों के ऊपर भी आपके पैसे जा सकते हैं। यहाँ पर मंगल आपको काफी यात्राएं भी करवाएंगे। वो जो आपकी जर्नीज होंगी वो आपके नौकरी से जुड़ करके हो सकती हैं, या आप सेल्स टू ट्रेवल्स मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो सब चीजों को जरिया बना करके मंगल आपको कुछ यात्राएं करा सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड भी आपकी यहाँ पर ट्रेवल्स हो सकती है, लेकिन मिथुन वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आप अपनी बोली भाषा वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं उसकी वजह से आपके जो संबंध है अपने करीबियों से, भाई बहनों के साथ में, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, या जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ ये रिलेशन को खराब कर सकता है। क्योंकि तो मंगल आपका बहुत अकारक ग्रह होता है, 6ठे का और 11वें का दोनों उपचय हाउसेस होते हैं, उसकी लॉर्डशिप लेकर के 12वें भाव में बैठ रहा, मतलब कि लॉर्डशिप भी उसके पास प्रॉब्लमेटिक है। उपचय भाव का जो राशिपति होता है वो उस भाव से संबंधित जो परिणाम होते हैं उसको बहुत अच्छा देता है, लेकिन उसके अंदर एक क्रुएल्टी आ जाती है। मतलब कि उपचय भाव का जो स्वामी ग्रह होता है ना वो जहां जाता है थोड़ा वहां पे मुश्किलें पैदा करता है, ये नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो आपके लग्नेश का मित्र भी नहीं है, 12वें में जाएगा तो या तो रिलेशनशिप में ये उतार चढ़ाव दे सकता है। उतार चढ़ाव का मतलब है कि अगर आप मैरिड हैं, कोई कलह क्लेश वादी बात चल रहा है तो थोड़ा संभाल लीजिए, शांति बना करके रखिए 45 46 दिन, बड़े निर्णय मत करिए। कई बार क्या होता है छोटे छोटे टाइम पीरियड में बड़ी बड़ी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि किसी का डाइवोर्स जैसा कुछ बन रहा है। ये मंगल आएगा 12वें में, अष्टम दृष्टि से देखेगा आपके सप्तम भाव को, पता चला आपने सब कुछ फाइनल कर लिया तो रुकिएगा, ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, विशेष रूप से जब ग्रह गोचर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करे। कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा, किसी से लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, वाद विवाद, ये सब चीजें मत करिएगा। अदरवाइज मंगल इनके ऊपर ही आपके पैसे खर्च करा सकता है, मंगल आपको लोन भी दिलवा सकता है, काफी लंबा अमाउंट आपको मिल सकता है। तो लोन लोन लेने के पहले थोड़ा देखिएगा, बहुत जरूरी है तो ही लोन लीजिएगा, क्योंकि मंगल आपके 6ठे भाव को देखेगा तो आपको लोन दिलवा सकता है। हेल्थ रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत पहले से चली आ रही है तो उसको ये दूर भी करवा सकता है, क्योंकि 12वें भाव में बैठेगा, हॉस्पिटल ले जा करके फिर आपकी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य संबंधित उनको दूर कर सकता है। फिर भी मिथुन वालों को यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत होगी, अनावश्यक वे खर्चे होंगे, ये सारी चीजें। कर्क राशि लग्न वालों के मंगल योग कारक ग्रह होता है, 5th और 10th पर लॉर्ड होकर के आपके 11वें भाव में जा रहा है। देखिए
11वें भाव से मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत एक्सेलेंट गोचर होता है। यहाँ बैठ करके मंगल सबसे पहले आपको फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट देने जा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर गुरु भी हैं जो कि आपके योग कारक ग्रह होते हैं, तो ये मंगल आपको सबसे पहले पैसों का लाभ करा देगा करियर के माध्यम से। करियर में आपको कुछ ये ग्रोथ भी दे सकता है, जैसे कि कुछ आपका बिजनेस है या आपकी सर्विस वाली चीजें हैं उसमें। यहाँ पर आप देखेंगे कि 26-27 दिन 46-47 डेज का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर आपको करियर में कुछ ग्रोथ मिल रही है, ये एक अच्छी चीज है। पैसे मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है, बच्चे हैं, प्रेम संबंध है, पढ़ाई लिखाई है, उन सारी चीजों में आपको मंगल मदद कर देगा। मतलब बहुत से लोगों को यहाँ पर संतान से अच्छा मिल जाएगा सुख, संतान की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, संतान कुछ अच्छा कर दे, स्टूडेंट का पढ़ने में खूब मन लग जाए, ये सब संभावनाएं बनेंगी। मंगल आपको पैसे अवश्य देगा क्योंकि सेकंड हाउस पे दृष्टि डालेगा, योग कारक रह है, शेयर से ट्रेडिंग से आपको लाभ भी करवा सकता है, प्रेम संबंध में भी आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता है। मतलब कि पंचम का लॉर्ड है ना, तो अपने घर को देख रहा है तो रिलेशनशिप में भी लेकर के जा सकता है। छठे भाव को देख रहा है, रोहिणी शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा, और करियर का मालिक हो करके छठे भाव को देख रहा है, तो करियर से रिलेटेड कुछ इवेंट दे सकता है। ओवरऑल कर्क वालों के लिए मंगल अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये वृषभ राशि है तो आपके जो बड़े भाई बहन है, आपके बॉस है, आपके करीबी लोग हैं, चाहे आपके ऑनलाइन फ्रेंड हो या आपके जो बहुत क्लोज सर्कल के फ्रेंड होते हैं, उनके साथ आपके रिश्ते का ध्यान रखिएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मंगल को वो राशि जो मिल रही है ना, वो उनके शत्रु की राशि है, तो वहां बैठ करके मंगल उस भाव से संबंधित जो चीज है उसमें थोड़ी दिक्कत देंगे, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ठीक है क्योंकि मंगल उपचय भाव में जा रहे हैं योग कारक ग्रहों के। इसलिए कर्क के बाद फिर बात करते हैं सिंह वालों को। देखिए सिंह राशि वालों के लिए भी मंगल बड़े योग कारक ग्रह होते हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं और नाइन्थ के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में जा रहे हैं। 10वें भाव से मंगल रिजल्ट बहुत अच्छा करता है, योग कारक ग्रह लग्नेश का मित्र है, दशम में आएगा सबसे पहले तो आपको नेम फेम प्रसिद्धि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन सोसाइटी में नेम फेम, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं करियर से बिजनेस रिलेटेड वो सब कुछ देगा, आपको हाईलाइट देगा एक तरीके से लाइफ में। और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, करियर बहुत अच्छा आपका हो जाए, जो चीज आपने नहीं सोचा ऐसा कुछ हो जाए, ये सब चीजें आपको देगा। लेकिन इसी के साथ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो आपके फादर हैं, फादर के लिए अच्छा है, उनकी लाइफ में कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल अच्छा हो सकता है, मतलब कि उनको कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। जो आप स्वयं हैं आपको मंगल बड़ी स्ट्रेंथ देगा, मतलब कि आपके व्यक्तित्व में एक यहाँ पर मजबूती दिखेगी, जो आपके अंदर थोड़ी बहुत डलनेस रही होगी वो सब मंगल दूर करेगा, क्योंकि आपका योग कारक ग्रह है ना। अब क्या होगा आप लोगों के साथ में कि आपके लगन के ऊपर वक्री शनि की भी दृष्टि है, मंगल भी आपको देखेगा लगन को, तो ये शनि और मंगल का जो एक कंबाइंड इफेक्ट आपके लगन के ऊपर आएगा, और लग्नेश भी जो है चले जाएंगे 15-16 जुलाई को 12वें भाव में, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, कलह क्लेश वाद विवाद ऐसी चीजों से बचाव करिएगा, लेकिन मंगल आपको बचाएगा, मंगल आपको सपोर्ट करेगा। लग्न पर दो दो करोड़ ग्रहों का प्रभाव हेल्थ में दिक्कत दे सकता है, लेकिन चूंकि मंगल योग कारक ग्रह है तो जहां शनि आपको डैमेज करने की कोशिश करेगा तो मंगल आपको सेफ करने की कोशिश करेगा, ये एक अच्छी चीज है। प्रॉपर्टी से संबंधित आपके बहुत से काम हो सकते हैं, मकान है, गाड़ी घोड़ा व्हीकल, मतलब चौथे भाव से संबंधित जो कुछ काम होता है, सुख सुविधाएं, लैंड है, प्रॉपर्टी है, तो जो लोग रियल एस्टेट में जुड़े हुए हैं और कॉलोनाइजर हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, जमीन का से फायदा हो सकता है आपको, लिखना पढ़ना सीखना लर्निंग से सब चीजों में मंगल आपको फायदा कराएगा, क्योंकि योग कारक ग्रह नाइन का लॉर्ड है, पंचम को देखेगा, पढ़ाई लिखाई की अच्छी स्थितियों का निर्माण करेगा, ओवरऑल सिंह के लिए काफी अच्छा है। सावधानी क्या रखना है, चूंकि वृषभ राशि है यहाँ पर आपके 10वें भाव में योग कारक ग्रह मंगल आ रहा है, तो जो आपका वर्क प्लेस है ना वहां पर आप अपने साथ के लोगों, जैसे जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं, या जो आपके बॉस हैं उनके साथ थोड़ा सा बैलेंस बना करके एडजस्ट करके थोड़ा सा कूटनीति के साथ में रहेंगे तो संबंध नहीं बिगड़ेगा, उन चीजों को थोड़ा बहुत मंगल बिगाड़ सकता है। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वाले लोगों के लिए मंगल बहुत ही अकारक ग्रह होता है, आपके 9th हाउस में आ रहा है और लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड होकर के 9th हाउस में आ रहा है, लग्नेश का मित्र भी नहीं होता है, 9वें भाव से जो मंगल का गोचर होता है कुल मिला के ठीक होता है, बहुत एक्सीलेंट गोचर नहीं होता है। ये मंगल आपको यात्राएं खूब कराएगा, यात्राएं आपकी होंगी, जो भी जर्नीज आपकी होंगी, सेल्स टूर ट्रेवल्स मास मीडिया आईटी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर खूब ट्रेवल करने को मिलेगी। आप अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से, हायर स्टडीज, रिसर्च, इन सब चीजों के कारण भी आपको यहाँ पर खूब फ्रिक्वेंट ट्रेवल मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो आपके फादर हैं उनकी हेल्थ में यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ सकती है, मतलब की स्वास्थ्य में उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, तो पहले से अगर दिक्कत है तो ध्यान दीजिएगा।
लापरवाही मत करिएगा। और आपके यहाँ पर यात्राएं होंगी और उन यात्राओं में भी आपको विशेष केयर करके रखना है कि मतलब जो भी आप जर्नीस करें वहां आपको दिक्कत नहीं होने पाए। और आपका जो घरेलू पक्ष है, माँ है, घर का सुख है, उन सब चीजों में थोड़ी मंगल कमी कर सकता है, लेकिन मंगल आपको प्रॉपर्टी का भी सुख दे सकता है क्योंकि मंगल कारक होता है। चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि जाएगी तो कारक जहां पे भी जाएगा, जिस भाव में जाएगा, जहां दृष्टि डालेगा तो अपने कारक तत्वों के भी तो वो रिजल्ट देगा ना। तो आपके चौथे भाव पर इसकी आठवीं दृष्टि जाएगी तो ये आपके प्रॉपर्टीज जुड़े हुए कुछ कार्य करवा सकता है, लेकिन मदर की हेल्थ और सेहत का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल कन्या के लिए ओके है, बहुत एक्सीलेंट गोचर नहीं है। आप अपने पिता और जो आपके टीचर्स हैं, बॉस हैं, गुरु हैं, उन लोगों का ध्यान रखिएगा। तुला राशि और लगन वालों के लिए मंगल ग्रह जो होता है सेकंड पलॉड होता है, सेवंथ पलॉड होकर के एट्थ हाउस में आ रहा है। देखिए आठवें भाव से मंगल का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन काल पुरुष में इनकी खुद की राशि होती है, आपके लग्नेश से इनके संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं है। ऐसी स्थिति में मंगल यहाँ पर आकर के देखिए एक चीज बड़ी अच्छी है तुला वालों के लिए कि आपको मंगल यहाँ पर खूब फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, पैसे आपको खूब दिलवाएंगे। वो जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो पैसे आपको मिल जाएंगे, पहली चीज जैसे कि इंश्योरेंस है, पहले के जो निवेश किए हुए पैसे हैं, अचानक वाले जो पैसे हैं, सिस्टर के पैसे हैं, पेरेंट्स आपको पैसे दे दें, पैतृक संपत्ति है, इन सब चीजों को जरिया बना करके मंगल आपको फाइनेंशियली बहुत मदद कर देंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज है। और पहले के रुकेट के पैसे भी आपको मिल सकते हैं। पैसों की दृष्टि से अच्छा है। फैमिली के अंदर की जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे आपका वो संचित धन हो, परिवार हो, सुख हो, कुटुंब हो, वाणी हो, पैसे भी आपको मंगल दिलवा देगा क्योंकि अपने घर को देख रहा है। लेकिन परिवार के अंदर ये उतार चढ़ाव दे सकता है। उतार चढ़ाव के सेंस में कि जैसे बोली की वजह से, क्योंकि वैसे भी आपके वृश्चिक राशि पे बहुत ढेर सारे ग्रहों का प्रभाव जा रहा है, राहु का जा रहा है, शनि का जा रहा है, अब उसको मंगल भी देखेगा। हालांकि वो मंगल का घर है तो मंगल अपने हाउस को सिक्योर करेगा, मतलब उसको बचाएगा, उसको नष्ट नहीं होने देगा। इसके बावजूद भी पारिवारिक वर्ष का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, पैसे आपको मिल जाएंगे। जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है उसकी लाइफ में यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ी सी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। पति या पत्नी जो भी है उसकी इनकम बढ़ जाएगी यहाँ पर। लग्न से अष्टम होकर के मंगल का गोचर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सब चीजों का बचाव करिएगा। यदि आपके नेता चार्ट में अष्टम भाव में कोई कहीं पर मंगल बैठे हो, शनि बैठे हो, राहु बैठे हो और यहाँ पर ट्रांजिट का मंगल आ जाएगा तो, और दशाएं वगैरह ठीक नहीं होंगी तो आपको वो चोट चपेट, एक्सीडेंट, सर्जरी, ये सब भी दे सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। तुला वालों के लिए गोचर जो है थोड़ा सावधानी रखनी है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो या आपका पार्टनरशिप हो, चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सब चीजों का बचाव करना है, लेकिन फाइनेंशियली गोचर आपको मदद कर देगा, पैसे आपको मिल जाएंगे। देखिए वृश्चिक राशि और वालों के लिए, राशि लग्न वालों के लिए मंगल आपके लग्न के मालिक होते हैं और आपके छठे भाव के मालिक होकर के सप्तम में आ रहे हैं। सप्तम भाव से मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसके लिए मरण कारक स्थिति होती है, शुक्र के घर में आ रहा है। ये क्या कराएगा आप लोगों के लिए, लग्नेश होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं। अच्छा है, देखिए रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, इन सब चीजों की वृद्धि कर देगा क्योंकि लगन खुद चल करके आ रहा है। बिजनेस है, ये सारी चीजों को ग्रोथ देगा, करियर में सपोर्ट कर देगा, नौकरी से जुड़े हुए आपके अच्छे इवेंट दे सकता है। आपके व्यक्तित्व को एक प्रभावशाली जो एक सपोर्ट सिस्टम होता है वो देने का काम करेगा क्योंकि लग्न का मालिक लगन को देख रहा है। तो व्यक्तित्व में एक सकारात्मकता आएगी, मजबूती आएगी, काफी आप पॉजिटिव हो जाएंगे, काफी आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, इससे आप अपने बहुत से कार्यों को भी पूर्ण करेंगे। सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि जाएगी। देखिए ये मंगल आपको फाइनेंशियली मदद कर देगा, कुछ ना कुछ आपको आर्थिक फायदा कर देगा। नौकरी से जो जुड़े हुए काम है उसमें भी आपको ये मदद करेगा, मतलब कि जॉब वगैरह के लिए अगर आप कुछ प्रयासरत थे या पैसों को लेकर के अगर आपको कुछ क्राइसिस चल रही थी तो मंगल उन चीजों को सॉल्व कराने में आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मंगल आपके छठवें का मालिक है, लगन का मालिक है, दसम भाव को देखेगा, तो जो लोग नौकरी के क्षेत्र में उनके लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा, प्रमोशन वगैरह दिला सकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ में आप तालमेल बिठा करके चलिएगा, अदरवाइज वहां रिश्तों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देगा। तो जब जब वर्क प्लेस पे रिश्ते बिगड़ते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो अपने करियर के ऊपर भी आता है, लेकिन ओवरऑल करियर के लिए सपोर्ट कर देगा। सावधानी जो रखनी है आपको, जो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उसकी सेहत का ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल आपके छठवें भाव का भी मालिक है जो कि उसकी मूत्रिकूट राशि है। तो अगर पहले से कोई डिफरेंसेस चल रहे हैं, कलह क्लेश, ये सब चीजें चल रही है तो बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा। पति पत्नी के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े कलह क्लेश होते हैं, बहुत ज्यादा आवेश में आके ताव में आकर के कि तुरंत अलग हो जाना, चले जाना है, इस तरह की
हरकतें मत करिएगा आप लोग। बिजनेस में सामंजस्य बना करके रखिएगा। पार्टनर की हेल्थ में अगर कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा टाइमली डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। बोली भाषा वाणी का ध्यान रखिएगा। ये मंगल आपके बिजनेस वगैरह को सपोर्ट कर देगा, सोसाइटी से भी आपको मदद दिलवा देगा, लेकिन ओवरऑल जो मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में है, ये पार्टनर की सेहत और संबंधों को डैमेज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो राशि है ना, वो शुक्र की राशि है, तो राशि से इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। फिर बात करते हैं धनु के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होता है मंगल, फिफ्थ का और ट्वेल्थ का लॉर्ड को करके आपके छठे भाव में आ रहा है। छठे भाव से मंगल रिजल्ट बहुत अच्छे करता है। यहाँ बैठ करके ये आपके नाइन्थ हाउस को देखेगा, ट्वेल्थ को देखेगा और लग्न को देखेगा। देखिए, छठवें भाव में मंगल आने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा साहस पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। जितनी भी रोग ऋण शत्रु कलह क्लेश वाद विवाद कॉम्पिटिशन, ऐसी चीजों को आप बहुत फाइट करके और उसको आप उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन सब दृष्टियों से मंगल का गोचर आपके छठे भाव में बहुत अच्छा है, उसका फायदा ले लीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए अच्छा है, पूरा मन लगा करके पढ़िएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा कुछ कारण बनेगा कि आपको यहाँ पर खूब ट्रेवल्स भी मिलेंगे, चाहे वो पढ़ने की वजह से मिल जाए, सर्विस की वजह से मिल जाए, लेकिन ज्यादा जो चांसेस बन रहे हैं वो आपके हायर स्टडीज को लेकर के कुछ आपको यात्राएं भी यहाँ पर मिल जाएंगी, जो कि अच्छी चीज है। मंगल आपके काफी खर्चे भी कराएंगे, फॉरेन ट्रेवल वगैरह आपके यहाँ पर हो सकती है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, ऐसी चीजों के ऊपर भी मंगल आपके खर्च करवा सकते हैं, मंगल आपके इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। लग्न को देखेंगे तो आपके अंदर एक तरीके से मजबूती देंगे। मजबूती किस सेंस में देंगे कि आपके अंदर जो थोड़ी बहुत डलनेस रही होगी उसको ये दूर करेंगे, क्योंकि आपका जो लग्नेश है ना, वो छठे भाव में चल रहा है गुरु, तो लग्नेश के साथ में पंचमेश हो करके मंगल आपके छठे भाव में चल रहा है। योग कारक ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके छठे भाव में बन रहा है, तो यहाँ बैठ करके मंगल आपको नौकरी दिलवा सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन दिलवा सकते हैं, नौकरी से जुड़े हुए कुछ अच्छे इवेंट दे सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, और जितनी भी आपकी शत्रुता है, विवाद है, समस्याएं हैं, हर्डल्स हैं, उनको मंगल यहाँ पर दूर करेगा। आपकी यात्राएं होंगी, ये एक अच्छी चीज है। कुछ पैसे आपके खर्च हो रहे हैं लिखने पढ़ने सीखने वाली यात्राओं के ऊपर, और अपने पिता के ऊपर भी धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल करने वाले हैं धनु वाले लोग, तैयारी कर लीजिए आप लोग। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर के लिए। देखिए, मकर राशि लग्न वालों के लिए मंगल आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं, फोर्थ के लॉर्ड होते हैं और इलेवंथ के लॉर्ड वो करके आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। पंचम भाव से जो मंगल का गोचर होता है, औसत होता है, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है, ठीक ठीक होता है। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल काल पुरुष में अष्टम भाव वृश्चिक की राशि होती है, और लग्न की राशि मतलब मेष और वृश्चिक को एनर्जी को वाली एनर्जी को लेकर के जब मंगल आता है फिफ्थ हाउस में, तो वृश्चिक एनर्जी मतलब कि बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कभी भी बहुत सुखद नहीं होता है। तो मंगल जब आपके पंचम भाव में आएंगे ट्रांजिट में मकर वालों के लिए, देखिए ये आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके कार्य करवा देंगे, जमीन है, मकान, घोड़ा, घड़ी, व्हीकल, परिवार से संबंधित कुछ भी आप चाहते थे वो सारी चीजें आपकी पूरी करवाएंगे। आपकी मदर की लाइफ में फाइनेंशियली यहाँ पर कुछ अच्छे इवेंट हो सकते हैं, मतलब कि उनकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत हो सकती है, गवर्नमेंट से आपको फायदा हो सकता है, सरकार के जितने भी रुकेट के काम होंगे वो सब मंगल आपके पूरे करा देंगे। मंगल आपको यहाँ पर यात्राएं भी करवाएंगे, वो जो आपकी जर्नीज होंगी या तो पढ़ाई लिखाई की वजह से होंगी या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में आपको कहीं घूमने जाने को मिल सकता है। ये मंगल आपके अष्टम भाव को भी देखेगा, तो देखिए जो जो भी आपके आपकी हिडन चीजें हैं, हिडन डिजायर्स हैं, उस पर थोड़ा आपको बैलेंस बना के चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मंगल ना ऊर्जा का कारक ग्रह है, अग्नि कारक ग्रह होता है, अष्टम भाव को देखता है, आठवां भाव चाणक्य वाली चीजों का होता है, तो कलह क्लेश, चोट चपेट, विवाद, ऐसी चीजों में भी मंगल उलझा सकता है, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। यदि आप पढ़ना लिखना सीखना ऐसी गतिविधियों में जोड़ करके रखेंगे, तब मंगल आपको उतना परेशान नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में है पार्टनर के साथ, वो बैलेंस बना करके चलिएगा, उसे उलझना, बहस करना, विवाद करना, डिफरेंसेस पैदा करना, ये सब मत करिएगा, ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी। जो स्टूडेंट पढ़ते हैं पूरा फोकस बना करके पढ़िएगा, और खर्चे होंगे आपकी, यात्राएं होंगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकता है, ओवरऑल मकर के लिए ठीक ठीक गोचर है, बहुत एक्सीलेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज जुड़े काम आपके हो जाएंगे। मकर के बाद फिर बात करते हैं कुंभ के लिए। देखिए, कुंभ राशि लग्न वालों के लिए जो मंगल है आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, चौथे भाव से मंगल का गोचर बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी निज की स्थिति मानी जाती है, बैकग्राउंड में यहाँ पर कर्क राशि होती है, मंगल आ रहा, अग्नि वाला ग्रह आ रहा है, ये आपके लॉर्ड होते हैं। ये तो दशम भाव के लॉर्ड होते हैं और
थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं और आ रहे हैं चौथे भाव में। चौथे भाव से मंगल का गोचर नहीं अच्छा होता है, लेकिन चूंकि ये कारक होते हैं प्रॉपर्टी के, लैंड के, तो ये जमीन है, लैंड है, ये सारी चीजें आपको दिलवा सकते हैं, उसमें उतनी दिक्कत नहीं करेंगे। करियर को सपोर्ट करेंगे क्योंकि अपने घर को देखेंगे, दसम भाव को, तो जैसे 10th हाउस से रिलेटेड जितने भी काम है, चाहे आपका नौकरी है, प्रमोशन है, बिजनेस ग्रोथ है, इन सब चीजों को करवाने में मंगल आपको मदद कर देगा। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी माँ है, जो आपके घर का सुख है, वो सब कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। ये बहुत सावधानी वाली चीज है कुंभ वालों के लिए, क्योंकि यहाँ बैठ करके आपकी मदर की हेल्थ में दिक्कत दे सकते हैं, स्पेशली कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं, या उनकी एज अधिक है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक पक्ष में कलह क्लेश, विवाद, तनाव, घुटन वाला जो माहौल होता है, वो सब कुछ मंगल यहाँ पर दे सकता है। जो आपका लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके आप चलिएगा, बहुत जरूरी है। लेकिन यही मंगल जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसके करियर के लिए, उसके बिजनेस के लिए अच्छे रिजल्ट दे देगा। संबंधों में ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकता है, मतलब कि डिफरेंसेस दे सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को नेम फेम दे दे, उसकी लाइफ में कुछ अच्छे हो जाए, करियर से रिलेटेड चीजों को लेकर के, ये सब हो सकता है। और ये मंगल आपको कुछ पैसों का भी फायदा करवा सकते हैं। पैसों का फायदा ये से करवाएंगे क्योंकि आपके 10वें के मालिक हैं, तृतीय के मालिक हैं, आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। वो जो फाइनेंशियल गेन होंगे, वो या तो प्रॉपर्टी के माध्यम से हो जाए, या आपके जॉब या बिजनेस को जरिया बना करके कुछ आपको फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अपने माँ की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ में कुछ दिक्कत आ सकती है। मीन राशि लग्न वालों के मंगल आपके भाग्य भाव के मालिक होते हैं, 9th के और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd में आ रहे हैं। 3rd हाउस से मंगल का गोचर बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहां पर कारक होता है, मंगल मेल्फिक प्लेनेट है, उच्च भाव में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, लग्नेश का मित्र भी है, लग्नेश के साथ में भी बैठा है यहाँ पर। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, हर तरह से आपको फायदा करेगा, नौकरी है, बिजनेस है, पढ़ाई है, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे से आपको ला करके देगा। ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पर बैठ करके मंगल आपको पैसों का लाभ करवा सकते हैं, पैसे मतलब कि जैसे ट्रेडिंग है, शेयर है, उन सब चीजों को जरिया बनाए, कुछ ना कुछ आपको ये फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। यात्राएं हो सकती है, आपके फादर के लिए गोचर अच्छा रहेगा, उनकी उनके लिए कुछ पैसे वगैरह उनकी लाइफ में बढ़ जाए। जो आपके करियर से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, नौकरी है, बिजनेस है, वहां आपको मंगल बहुत सपोर्ट करेगा, मतलब कि वर्क प्लेस पर जितनी भी आपके लिए दिक्कतें, मुश्किलें होंगी, उनको मंगल दूर करेगा, करियर में आपको मदद कर देगा। स्पेशली अगर आप मार्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, होटल इंडस्ट्रीज में है, फैशन के जो ये जिम वगैरह से जुड़े हुए काम है, फायर ब्रिगेड है, आर्मी है, पुलिस है, ऐसे क्षेत्रों से अगर आप जुड़ करके काम कर रहे हैं, मंगल वहां आपको मदद करेगा, वहां आपको जॉब दिलवाना, प्रमोशन कराना, नेम फेम देना, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो कोई अच्छी अथॉरिटी में ला करके आपको खड़ा कर दे, ये सब कुछ मंगल आपको देगा। और पैसे आपके यहाँ पर अवश्य बढ़ेंगे, जितने भी लोग मीडिया है, ऑनलाइन से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों को पैसे मिलेंगे, इन सब चीजों को माध्यम बना करके। मंगल आपको यहाँ पर तरह तरह से फायदा करा रहा है, नौकरी से जुड़े हुए जितने भी काम है वो भी मंगल आपका यहाँ पर पूरा करवा सकता है, जितने भी आपके लोन है, रोग ऋण शत्रु विवाद वाली चीजें हैं, उनको दूर कराने में मंगल मदद करेगा। क्योंकि आपका योग कारक ग्रह है, 3rd हाउस में बैठ करके 6ठे भाव को भी देखेगा, मंगल कारक होता है लोन का, और जितने भी कंपटीशन है, कठिन मुश्किल वाली चीजें होती है, उन सब चीजों को मंगल अच्छे से पूरा करता है, परफॉर्म करता है अच्छे से। तो 6ठे हाउस वाले जितनी भी चीजें हैं, वो सब आपके ये मंगल अच्छे से सॉल्व कराएगा, लोन दिलवाएगा, हेल्थ में कोई दिक्कत है उसको दूर कराएगा, और जॉब में आपको सपोर्ट कर देगा। ये मंगल आपको यात्राएं भी करवाएगा, जो आपकी यात्राएं होंगी या तो आपके एजुकेशन को लेकर के होंगी या तो आपकी सर्विस को लेकर के होंगी, लेकिन फ्रिक्वेंट ट्रेवल आपकी करवाएगा मंगल। ओवरऑल मेंटली काफी अच्छा है ये गुजर। इस तरह से जो मंगल का गोचर है वृषभ राशि में, सभी के लिए पैसों की दृष्टि से अच्छा है, पैसों में उतनी दिक्कतें नहीं पैदा करेगा। सावधानी से एक ही चीज की रखनी है, अपने सुखों का और अपनी बोली भाषा का, अपने खान पान का, क्योंकि मंगल बहुत ही तेज ग्रह होता है, गर्म ग्रह है, अग्नि वाला ग्रह है, और वृषभ राशि में परिवार कुटुंब फाइनेंस वाली राशि में जा रहा है, तो मंगल यहाँ पर जो भी दिक्कत देंगे वो सिर्फ संबंधों की दृष्टि से या हेल्थ की दृष्टि से या
पारिवारिक कलह क्लेश को बढ़ा दें, ऐसा कुछ मंगल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुरु वहां बैठे हुए हैं। गुरु कुछ भी हो, नैसर्गिक शुभ ग्रह होता है, तो कोई कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, आतंकी व्यक्ति हो, जब अच्छे इंसान के साथ में रहेगा कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही ना। लेकिन चूंकि मंगल के ट्राइन में केतु है, तो केतु का भी एक प्रभाव आएगा, केतु भी मंगल के जैसे ही इफेक्ट करते हैं, तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पैसों की दृष्टि से चिंता की कोई बात नहीं है। नक्षत्र भी जो यहाँ पर मंगल को मिल रहे हैं, सारे के सारे ही सपोर्टिंग है। कृतिका, रोहिणी, मेषरा, सारे इनके खुद के नक्षत्र, मित्र के नक्षत्र हैं। केवल राशिपति के साथ में इनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा। तो सभी लोग बड़े शांत होकर के रहिएगा, क्योंकि वृषभ राशि वाणी की राशि है, जहां से आप बोलते हैं, और दूसरा आपके मुख की राशि होती है, मुंह की। मंगल तेज ग्रह है तो क्या करेगा ना, आपके अंदर छाले ला देगा। आप देखेंगे कि 47 47 दिन 48 दिन तक किसी को मुंह में दांतों की प्रॉब्लम हो जा रही है, मतलब कि किसी को दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ नहीं है तो आपने चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, आपकी टंग जल गई आपकी टंग जो है अपने दांत से दब गई, कट गई, क्योंकि मंगल ब्लड का कारक है ना, कटने छिलने का भी कारक है। मुंह वाले भाव में जा रहा है तो कटेगा, छिलेगा, जलेगा, फोड़े फुंसी, घाव, ये सब भी करवाएगा। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल जो है पैसे मिलेंगे, पैसे में दिक्कत नहीं आएगी। संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा सभी लोग, और मंगल के मंत्रों का जप करिएगा। उपाय के तौर पर मैं हमेशा एक ही चीज बोलूंगी, मंगल के मंत्र का जाप करिए, नमः। और जिनके लिए योग का रख रहे हैं, हनुमान जी की पूजा है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, ये सब कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, क्योंकि फाइनली हनुमान जी भी जो है वो भगवान शिव की ही पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं तो राम भी शिव की पूजा करते हैं। तो आप ये सब काम करिए, इससे आपको मंगल अच्छा रहेगा। और भाइयों की बहुत ज्यादा केयर करिए, भाई आपके छोटे हैं या बड़े हैं उनका सम्मान करिए। और किसी का भी पैसा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, दूसरे के जो एसेट्स हैं उनको कभी भी मत लीजिए, कभी भी मत लीजिए। किसी के साथ धोखाधड़ी मत करिए, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सब समझ लीजिए कि किसी का भी आपने जमीन, पैसा, भाइयों का कुछ भी, मतलब 1 रुपया भी अगर आपने किसी का ले लिया तो आपका मंगल खराब होना शुरू हो जाएगा। और मंगल खराब होने का मतलब कि आपको, आपका ब्लड खराब, आपकी ऊर्जा खराब, आपको आपकी बौद्धिक क्षमता खराब, क्योंकि मंगल मेष का मालिक है ना, मतलब कि आपका व्यक्तित्व तो खराब, सब खराब। जब सब खराब होगा तो फिर उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही नेगेटिव, ऐसा समझ लीजिए। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मंगल का गोचर अच्छे रिजल्ट देगा। इस रिजल्ट से आप अच्छे फायदे ले पाइए। कन्या वाले जो लोग हैं और मिथुन वाले लोग हैं, बुध की जो राशियां हैं, वो लोग थोड़ा सा मंगल के दान अधिक कर दीजिएगा। दान का मतलब है जैसे गुड़ है, गेहूं है, तांबा है, लाल रंग के फूल है, वस्त्र है, ये सब किसी को डोनेट करिए, मदद करिए। गाय को गुड़ घी की रोटी खिला सकते हैं, मसूर की जो दाल होती है लाल वाली, उसको आप गाय को दीजिए, पक्षियों को दीजिए, मतलब कि मंगल की जो ऊर्जा है ना उसको आप डाइल्यूट करते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा ग्रह मंगल नहीं होता है, इसलिए 4-8-12 से जो मंगल जा रहा है वो दिक्कत दे सकता है। तो आप सबके सपोर्ट के लिए फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलती हूँ। साथ में जो कि नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल जाए करो। फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए नमस्कार।